सर, वो पुत्र 12 बज गए हैं, अब सो जा। कैसे सो जाऊं मम्मा, तो कैद सी हो गई हूँ इस रिश्ते में। वो आते हैं तो मुश्किल, जाते हैं तो मुश्किल। चली हो गई है वो, कुछ पता भी है कि शादीशुदा जिंदगी जो है ना, वो नाम ही जिम्मेदारियों का है। तेरी तो पहले भी शादी हो चुकी है, तू ये गल भूल क्यों जाती है? ओ नाना अम्मा, ओ ना याद दिला मुझे। इतना प्यार, इतने सुकून का एहसास, ये थोड़ी था ना पहले। अम्मा, मुझे तो लगता है मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी की है जो मुझे उम्र मिले, है ना? अम्मा, मुझे एक गल दस, ये सारे पढ़े लिखे लोग इतने नरम दिल होते हैं। अम्मा, मुझे तो ना बड़ा डर लगता है मैं कहीं अपने हाथों से ही कोई गलती ना कर बैठूं। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं और सबको सब कुछ बता दूं। हाँ हाय, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, गल तो दस मुझे, किसको बताएगी जाके ये सारी बातें, किससे पूछेगी? उसके कोई कार ठिकाने का पता भी है कि नहीं? दफ्तर का तो पता है ना अम्मा। मैं क्या करूं, तू मुझे बताना, मैं तो ऐसे अकेले बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। वेख मेरे जुड़े हाथ, चल सो जा बेटी, तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। जब तू ना सोई तो मुझे भी नींद नहीं आनी। अम्मा, 12 घंटे हो गए हैं, एक भी फोन नहीं किया उन्होंने अभी तक। मेरी गल सुन, उसका फोन आए या ना आए, पर मेरी गल तू कान खोल के सुन ले। खबरदार जो तूने उमर को फोन करने की कोशिश की तो, तुझे मेरी कसम है। वेख, उमर कह के गया था ना कि भी मुझे कोई फोन शोन ना करना, एवं कहीं जरे कोई ऊंच नीच ना हो जाए, तो ऐ मेरे जुड़े हाथ वेख ले। अच्छा अच्छा नहीं करती, लेकिन अम्मा तू तू एक काम करना, कोई अल्लाह का कलाम पढ़ के फूक देना मेरे ऊपर, कोई दुआ करना कि उमर मुझे फोन कर ले। कर रही है दुआ, चल तू भी सो, तो मुझे सो दे, नींद आ रही है, चल शाबाश लेती। हेलो, कैसी हो? सब ठीक है ना? इतनी कॉल्स आई हुई थी तुम्हारी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपने कहा था ना आप कार जाके फोन करेंगे, तो फोन नहीं आया तो मैं फिक्रमंद थी। सब ठीक है ना घर पे? और कोई बात हुई है? उन्होंने कोई बात तो नहीं की कोई ऐसी वैसी? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, मैं भी ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है। बस वक्त नहीं मिला तुम्हें कॉल करने का, सॉरी। कल कॉल करूं? दिन मुझे ना जी आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी, अपना ख्याल रखना। ठीक 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 है, खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। और जी, सब खैरियत है साहब दी? है जी, देखो जरा अभी उनकी कॉल आई है तो चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ गई। जब से वो कार से गए हैं आपके तो चेहरे से खुशी चली गई थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, अब आराम से सोऊंगी। उन्होंने कार नहीं लेके जाना कराची विच? उधर भी कोई कार होगा ना? वैसे पता है बीवी ना अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती है, जहाँ उसका शौहर हो वहीं पे बीवी अच्छी लगती है। ऐसे ही पीछे पड़ी रहो, एक ना एक दिन कराची ले ही जाएंगे, हैं? वैसे
एक गल तो दसो मैनू, ये जो आपकी शादी हुई है ये साहब जी के माँ बाप की मर्जी के बगैर हुई है? जब भी मैं कहूँ जात पात करना फर्क जो है। वैसे आपकी स्टोरी देख के ना मुझे मेरी दूर की भांजी की स्टोरी याद आ। मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी। बड़ी मैडम साहब बनी फिरती है, दोनों माँ बेटे पीछे से हमारे जैसी ही हैं। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, पता नहीं क्या कहानी है दोनों। वेल कुलसुम, नौकरी की तो नखरा की, तुझे तो तेरी तनख्वाह मिल रही है ना। चलो भाई, मेकअप शेकअप द टाइम भी हो गया है। की है? चलो जी।